न्यू शैम्पू लेके आए हो यार। तो यार घूमने का जिगर है क्रगाई, इतनी रात को भी है ना घूमती रहती है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज रोमियो के लिए मैंने आपको कहा था ना, कल वाले ब्लॉग के अंदर गया था भैया, परसों वाले के अंदर गया था कि मैं लेके आऊंगा रोमियो के लिए। अरे होगा गाइस, शैम्पू लेके आ चुका हूँ। अभी जस्ट मामा जी की दुकान गया था, मामा जी कह रहे हैं एक बार इतना ही लेके आया हूँ मार्केट से, एक बार ट्राई करके दे कि अगर इसके बाल उगेड़ा इससे कोई उत्तर तो नहीं रहे, झड़ तो नहीं रहे, तो वो चेक करते हैं। आज पहली बार रोमियो कोई शैम्पू से नहीं रहा, खतरनाक इसकी खुशबू आ रही है ना, तो रोमियो बड़ा अपना बाहर नहाते हैं मैं सबसे पहले साफ सुथरे, अब सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अभी लेके आते हैं रोमियो को, पहले तो अंदर उससे पहले यार पानी भर के रख देते हैं, ताकि रोमियो आते ही पानी पिएगा। एंड फिर लेके आते हैं रोमियो, देखो आज शैम्पू से मिला हुआ मज़ा आ गया। अभी गाइस आप चेक कर सकते हो, फाइनली रोमियो को लेके आ चुका हूँ अंदर। एंड अभी ये डालते हैं शैम्पू एक बाल्टी के अंदर और रोमियो स्टार्ट करते हैं निकालना, और शैम्पू सुनाएंगे और उनमें मज़ा आ जाएगा। इस बाल्टी के अंदर थोड़ा डालते हैं, देख सकते हो आप मैंने कितने ज़्यादा बबल कर लिया इसके अंदर। एंड अभी रोमियो को ध्यान नहीं लाना स्टार्ट, मज़ा आ जाएगा। एंड क्या ही खतरनाक खुशबू आ रही है इसकी, मज़ा आ रहा है। हाथ वाला ग्लव्स जो है मेरे पहनने वाला, इसके अंदर हाथ डालते हैं एंड फिर देखो रोमियो को निलाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, पहले इसको थोड़ा पहले गिल्ला करना होगा ना पानी से, तभी जाके साबुन लगेगी। जल्दी जल्दी वो तो भूल ही गया, तो पहले यार गिल्ला करता हूँ एंड उसके बाद साबुन लगाता हूँ इसके ऊपर। तो भी गाइस यार फाइनली आप चेक करो यार, रोमियो का पूरा साबुन साबुन कर दिया, देखो बबल ही बबल कर दिया पूरे शरीर पे, पूंछ पे गाइस चारों तरफ। आज रोमियो तो चमकने वाला है ना, इतना शानदार लगने वाला है। अभी कुछ देर 2 मिनट ये इसका लगेगा ना, तो इसके अंदर जो डस्ट होगी ना तो वो बाहर निकल जाएगी, उसके बाद रोमियो अपना चमकेगा ना। एंड उसके बाद यार कुछ देर बाद खड़ा करके आएंगे, क्योंकि वैसे तो मैं गर्म पानी से नहलाता हूँ, बट फिर भी यार इतनी ठंड तो हो रही है थोड़ी बहुत, तो धूप के अंदर मस्त सूख जाएगा, उसके बाद अंदर लेके आएंगे यार। तो अभी नहाना इसका पूरा कंप्लीट करता हूँ, एक बार पानी तो पिलाइए अभी एंड उसके बाद है ना गाइस अंदर लेके आऊँगा बाद में वापस, मज़ा आ रहा है क्या ही चमक रहा है। अभी गाइस यार फाइनली रोमियो को मस्त अंदर लेके आ चुका हूँ और अभी देखो यार क्या ही चमक रहा है रोमियो यार, नजर ना लिया इसको बस गाइस ये चेक करो यार। हाँ तो यार इसके अंदर गजब की मतलब बदबू भी नहीं आ रही, तो हमेशा पसीने की बदबू आती है, बट आज 1% भी नहीं आ रही यार। नया शैम्पू लेके आया था ना, तो एक क्या ही खतरनाक हो रहा है ना बिरयानी, एकदम मजा यार चूमने का जिगर है एकदम एकदम अच्छा अभी तो। बट सुबह ना सुबह में रात को वापस बैठे जाना इस यहाँ पे गंदगी के अंदर गोबर के अंदर रहने, तो यार रात को पूरा अंदर जाएगा वापस से, रोज नहलाना पड़ेगा यार। अब तो गर्मी आ गई तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, रोज नहला देंगे यार। अभी एक बार तो पानी वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया है एंड मैंने भी नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आज उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि रोमियो वहाँ पे खड़ा किया हुआ था एकदम पूरा सूखा ना, तभी अंदर लेके आया हूँ। क्या कितना लग रहा है यार, न्यू शैम्पू लेके आया ना, अभी देखते हैं यार लगभग 4-5 या 10 दिन नहलाएंगे ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि रोमियो ना कैसा ये शैम्पू, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होगा ना तो बाल वगैरह झड़ेंगे, अदरवाइज कुछ भी होगा ना तो कैंसिल कर देंगे। अगर कुछ नहीं हुआ ना इतनी बोतल से इस पूरी बोतल से नहला देंगे एंड फिर भी कुछ नहीं हुआ ना एकदम सेट होगा ना, तो और पूरी भर के बोतल मंगवा लेंगे यार, है ना रोमियो। इधर आओ ले, इधर आओ, आ जाओ ले, ले आ जा, ये ले बिस्किट देता हूँ, इधर आओ ये लो बिस्किट देता हूँ, आ जाओ। देखो हाथ नीचे से अगर इधर डालूंगा ना तो अपने आप आएगा ये एंड बाइट करेगा, हाथ खाली होगा तो बाइट करेगा, हाथ खाली नहीं होगा ना तो कुछ खा लेगा। तो भैया कुछ देर वेट करते हैं, पानी पुनी दे दिया एक बार तो एंड उसके बाद वापस से देते हैं दाना वगैरह सब कुछ, कचरा सॉरी दाना नहीं कचरा, एंड दाना भी खत्म हो गया, दाना भी आज मामा जी की दुकान से आज या देखता हूँ यार मैं लाता हूँ या मामा जी लाते हैं, वेट करते हैं फोन लाते हैं यार। तो भैया फाइनली हो चुके हैं हल्की फुल्की शाम एंड अभी दे देते हैं रोमियो को दाना एंड कचरा। ओ यार सामान बिखरा हुआ पड़ा है, नाम से नाम तो पहले तो इसको यार संभालना पड़ेगा एंड ये भी कचरा खत्म होना, बट ये भरा हुआ है
अभी नाना जी को कल ये दे दूंगा ना खाली करके, तो कल या परसों वापस लेके आ जाएंगे नाना जी। अभी कुछ देर रोमियो को दाना वगैरह पहले से दाना देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ देखो दाना कितना बचा है। देखो भाई इसके अंदर एकदम थोड़ा सा बचा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले ना इसमें से आज थोड़ा अभी दे दूँ, थोड़ा सुबह दे दूँ, पता नहीं अभी यार मामा जी लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, बट कल सुबह मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी जाके एंड लेके आता हूँ वहाँ से दाना। या अभी मामा जी को कॉल करूँगा तो मामा जैसे कहेंगे आ जा तू लेके चला जा, बट यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि मामा गए हुए ये इस घर वाले मामा गए हुए बाइक लेके एंड उसके बाद कब पता नहीं कब तक आएंगे। अभी मामा जी को कॉल करते हैं एंड पहले आज तो देते हैं दाना, कल सुबह की सुबह देखेंगे यार। बट और एंड गाइस एक यार दिक्कत हो गई थी अभी, बट यार अभी फाइनली वह पूरी शॉल लो ठीक है, बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है यार। ये रगड़ो अपना रोमियो एंड ये करा अभी दाने का वेट है ना रोमियो, गाइस देख लो कितना अच्छा अपना रोमियो। बस ये तो एक तो इसके पास चिपक जाते हैं ना तो ये बड़ा ही खुश हो जाता है, ऐसा समझ मुंह से आवाज निकालने लगता है। अभी देखो आपको सुनाता हूँ, बट यार थोड़ा रिस्क है, लात की मार सकता है। अभी देखो कैसे करके, अभी देखो रोमियो गौर से सुना गाइस, रोमियो रोमियो उमो रोमियो गाइस आई थी ना अभी बात, यानी कि इस पास में चला जाता है इसके हक करते हैं ना इसको, तो यार ये सोचता है यार मैं भी हक कर लूँ इसको, तो आगे वाले पैर उठा के उठाने लगता है, बट कहीं पे लगा दी ना एक बार तो फिर सोच सकते हैं यार बड़ी खुशी हो रही है। अभी यार एक प्रॉब्लम होती हो गई थी एंड वो मैंने सॉल्व कर दिया, अभी जाके अच्छा लग रहा है। एंड अभी मामा जी को कॉल करता हूँ, पहले तो पूछता हूँ कि कल लेके आएंगे अभी लेके आ सकते हैं रात को, तो वो तो यार मामा जी बता सकते हैं क्योंकि कितना दुकान के अंदर काम है कितना नहीं है वो तो उनके पास ही है एंड उनको ही पता है, तो करता हूँ यार मामा जी को कॉल। अभी गए यार फाइनली मस्त नहा धो के रेडी हो चुका था एंड मामा जी को कॉल किया था कि मैंने कहा था रोमियो को दाना बट मामा जी लेट आएंगे, ये चेक करो गाइस बाइक के पीछे ही डाल रखे हैं एंड अभी चलते हैं यार घर पे वापस लेके। पहले तो ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मामा जी कह रहे थे मैं तो मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, अगर आना है तो जल्दी आता क्योंकि प्लेनों के अंदर मामा जी ने पहले ही रख लिया था, तो मामा जी दुकान जल्दी जल्दी जाके एंड प्लेनों से निकाल के लेके आया हूँ। अभी चलते हैं घर पे एंड इसको रखते हैं घर के अंदर उसी रिपेटी के अंदर डाल देंगे एंड फिर अपन चलेंगे सीधा उस घर पे। यार रोमियो को आज शाम का तो दाना दे दिया था बट सुबह का यार दाना जरूरी है ना, तो इसलिए अर्जेंट में लेके आया हूँ दौड़ दो, नहीं तो मामा जी आते ना तो कल सुबह ही आता, कल सुबह पता नहीं रोमियो को दाना दिया जाता या नहीं दिया जाता। अभी तो देखा इस घर पे गाइस यार फाइनली पहुंचा था घर एंड मैं सोच रहा हूँ यार अभी एक बार यहीं पे रख देते हैं क्योंकि मैंने अभी नहीं घर वाले कपड़े पहने ना तो ये खराब हो जाएंगे एंड ये चेक करो गाइस इतनी रात को भी है ना घूमती रहती है, अपने घर तो जाती नहीं, इसकी मम्मी इसको लेने आई है बट ये फिर भी नहीं जा रही है, मम्मी अभी पास वाली आंटी के साथ बात करने लगे हैं तो ये तब तक और मजे करे। अभी तूने क्या खाया था? तो गाइस अभी इसने आइसक्रीम खाई, मैं तो अभी नहीं खाता क्योंकि यार सर्दी से मेरे को डर लगता है अगर जुकाम वगैरह हो गया ना तो दिक्कत हो सकती है। एंड रोमियो को खड़ा है मेरी चापड़ देखिए आता हूँ कर दाना एंड इसको कल सुबह अंदर डाल देंगे क्योंकि सर तो काम वाले कपड़े होंगे ना खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं सीधा घर पे एंड मिलते हैं वहाँ पे लाइट करते हैं। ओ रोमियो बाय बाय। तो भी गाइस यार फाइनली पहुंचा था घर एंड नानी जी ने इस टी शर्ट के अभी वापस से टांका लगा दिया, थोड़ा सी यार फट गई थी यहाँ पे ना ये जॉइंट दिया हुआ ना तो ये जॉइंट निकल गया था, बट अभी नानी जी ने एकदम रेडी कर दिया। नानी जी लगा रहे हैं अपने मेहंदी एंड कार्तिक देख रहे नानी जी का फोन, अभी कुछ देर बाद नानी जी को चला के देते अपन भी यार रामायण एंड ये रही अपना राम दुलारी। तो गाइस इसको भी ना अगर इसके हम खुजली करते हैं ना इसको बहुत ज्यादा मजा आता है ना। एंड गाइस अभी मस्त खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, इतने देर आते हैं पहले तो खाना किया था, ये देखो इसके वो मैंने अभी खुजली किया था वापस मेरे पास आ गई है। अभी देखो उस साइड जाऊंगा ना तो उस साइड भी आ सकती है, ये इधर आओ आ जाओ राम दुलारी इधर आओ आ जाओ खुजली करता हूँ आपके। तो गाइस यार मस्त एक बार तो नाना जी गए अभी हमारे कोई मतलब कैसे बताऊं हमारे मोहल्ले के अंदर थोड़ी मीटिंग टाइप है तो नाना जी वहां पे गई हुई है बड़े बड़े लोग यार ऊपर चढ़ जाती यार वापस उस साइड जाना पड़ेगा मेरे को, इधर आओ आ जाओ। भाई जो सबसे ज्यादा ध्यान है ना ध्यान एंड पास रहती है ना वो नानी जी एकदम,
नानी जी इसको सुबह सुबह दूध वगैरह पिला के लेके आते हैं एंड इसके साथ पूरे दिन टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो नानी जी के पास आते जाते हैं। अभी कुछ देर और वेट करते हैं एंड तब तक नाना जाते हैं यार दूध भी पीने। आज वो दूध बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा यार। क्या तो इसको इसके इस चारपाई के बांधना पड़ेगा, रात को नहीं तो घूमती रहती है, यहाँ पे आराम से बैठ जाएगी। इसकी दरी भी लगा दी है मैंने एंड नाना जी करते हुए यार कुछ देर। तो अभी गाइस यार रात के बज चुके हैं 11:30 एंड अभी तक नाना जी आए नहीं। नाना जी वहाँ पे बातें करे, उनके साथ मैं वेट करा था कि दूध वगैरह पिला दूँ, बट यार मैंने तो दूध पी लिया क्योंकि मेरे को ना थोड़ा दूध पीने का ज़्यादा ही मन करा था, तो मैंने पहले दूध कंप्लीट कर दिया है। नाना जी का वेट करते हैं कब तक आते हैं, और एक जी एक मन कर रहा है, नानी जी कह रहे हैं कि तू सो जा, नाना जी आएगा ना तो मैं अपने आप दूध दे दूँगी उनको। तो गाइस अभी क्या करें, समझ भी नहीं आ रहा। और यार अपने रामपुला जी मस्त यहाँ पर बैठी है, देखो कान देखो कैसे रखती है। और आज सुबह में आपको पता ही यार वो मम्मी को यार क्या खतरनाक शैम्पू से नहलाया था एंड अभी वो नया वाला कर दाना भी लेके आ चुका हूँ। तो यार आई होप आप लोग ब्लॉग वीडियो अच्छा होगा। अभी यार मैं भी जस्ट सोता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।